मैं रेवल सदानंद पति और आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं हूं ग्रेटर नोएडा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंसल मॉल और वो आपके मेट्रो है और परी चौक है। जस्ट मेरे आप लेफ्ट हैंड के साइड देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऑन मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पे हूँ। हमारे सांसद महोदय माननीय डॉक्टर महेश शर्मा, उनके कितने बढ़िया काम है आप देख सकते हैं। सरस्वती जी जरा इधर दिखाएं, ये मेन रोड के साथ की कनेक्टिविटी है ड्रेन से। सरस्वती जी इनको दिखाएं, ये ड्रेन से डॉक्टर महेश शर्मा जिनका कैलाश हॉस्पिटल है, जिनके 5 से 8-10 अस्पताल और इंस्टीट्यूट होंगे। मैं परी चौक से मात्र 300 मीटर भी नहीं, केवल 100 मीटर की दूरी पे हूँ। ये गांव तुगलपुर है और क्या स्थिति आप देख सकते हैं। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज में, पूरा देश देख रहा है, ये स्थिति है। और ये देखिए आपके सामने NIMT कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये मेन रोड की स्थिति है। ये खुले ड्रेन्स जो कभी क्लीन नहीं होते, इनकी गंदगी आप देखें। सरस्वत जी ने दिखाया और मैं आपको दिखा दूं, केवल इधर सड़क के इस तरफ की बात नहीं है, अगर आप दोनों साइड आए आप दोनों ही तरफ से देख सकते हैं क्या स्थिति और क्या नहीं है। मैं लगातार अपने माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ, मैं रेवल सदानंद पति, और बताना चाहूंगा आप लोगों को ये जा रही है, मोदी जी तक ये आवाज पहुंची है, योगी जी तक भी अवश्य पहुंचनी चाहिए। हम इस वक्त खड़े हैं तुगलपुर के मुख्य चौराहे पे, जो कि 100 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं ये खुले ट्रेन। आप देखिए पूरे ट्रेन चौकते हैं और ये लड़ रहे हैं महामारी से, ये महामारी से लड़ रहे हैं हमारे सांसद महोदय, जो इनका अस्पताल है कैलाश हॉस्पिटल, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। आप देखें इस स्थिति को देखें, क्या यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, ये इनका गवर्नेंस है। और हम आवाज उठाते तो हमें अंधभक्त कह दिया जाता है या देशद्रोही कह दिया जाता है, आवाज तो उठती रहेगी, आवाज तो उठती रहेगी। मैं रेवल सदानंद पति इस वक्त तुगलपुर गांव में और मैं खड़ा हूं तुगलपुर मंडी में। भाइयों ये तुगलपुर मंडी के साथ आप देखें डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ के सांसद कितने बढ़िया तरीके से हमारा देखभाल करते हैं। आप देखें मेरे माध्यम से आप लगातार मुझे देख रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने 34 करोड़ लोगों ने मेरा वीडियो देखा, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं रेवल सदानंद पति पूछता हूं डॉक्टर महेश शर्मा से, आप देखें ये तुगलपुर मंडी है जहां मैं खड़ा हूं, ये तुगलपुर मंडी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है मेरे पीछे, सारस्वत जी दिखाएं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए अलग मापदंड है। सड़क के उस पार कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, उनके अलग मापदंड है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ये स्थिति है, इसी नाली का कूड़ा यहाँ निकाल दिया जाता है पूरी सड़क पे, आप देख सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से, ये 12 महीना यही होता है, 12 के 12 महीना। आप देखें ये मेनहोल का पानी नाली में फैलता हुआ, क्या इससे मलेरिया नहीं होता, क्या इससे गंदगी नहीं होती, क्या पीने की जो स्थिति है लोगों को, क्या इसमें सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर महेश शर्मा अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो ये शुरुआत है, आपके क्षेत्र के हर एक चीज आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। योगी जी तक ये पहुंचा, योगी जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आप आए दिन नोएडा आते हैं, पूर्व के सीएम नहीं आते थे, लेकिन योगी जी आप आएंगे केवल 2 दिन के लिए, हमें तो सांसद के सहारे रहना है ना। ये तुगलपुर गांव है जहां पे परी चौक है हमारा आकर्षण, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस ऐसे ही परी चौक हमारा दिल है, दिल। और देखिए दिल की स्थिति कितना अच्छा है, ऐसा लगता है कि बाईपास सर्जरी होना रह गया है। मैं रेवल सदानंद पति इस वक्त मैं खड़ा हूं कैलाश अस्पताल, आप देख सकते हैं कैलाश हॉस्पिटल, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुर्वेद एंड योगा, ये हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का संस्थान है, वो डॉक्टर है, और ऐसे इनके दर्जनों संस्थाएं, हॉस्पिटल काफी बड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। ये मेन रोड के साथ कनेक्टेड है, ये मेन रोड है जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है जी। ये इतना शानदार अस्पताल है, शानदार हम जिसे कह सकते हैं, दर्जनों कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं जो आवाज उठा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एक सांसद जो स्वयं एक डॉक्टर भी है, क्या वो कोरोना में निकले हमारे खातिर, क्या मिले वो हमसे आके। इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थाएं, इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थाएं कोई छोटी नहीं है, आप गूगल पे देख सकते हैं इनके बारे में, कितने कॉलेजेस हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं। और मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी तुगलपुर दिखाया था, अब मैं ग्रामीण क्षेत्र का आपको दौरा कराता हूं जहां के ये सांसद हैं। 300 गांव हैं हमारे पास, 300 गांव, और क्या डेवलपमेंट है उसका नजरिया आप वीडियो में देख ही रहे। मैं रेवल सदानंद पति इस वक्त मैं हूँ कचेड़ा वारसाबाद जो कि गोद लिया हुआ गांव है, पूर्व में लिया गया था हमारे माननीय सांसद के द्वारा, ये उसके गांव की शुरुआत है। मुहाना आप देख सकते हैं किस तरीके से बहती हुई माजा, स्प्राइट, ये गटर, बहुत ही शानदार काम चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप किस, ये गांव की शुरुआत है, गांव की सीमा में मैं भी दाखिल हो रहा हूँ और आप सीधे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है कचेड़ा वारसाबाद। ये नालियां हैं गांव की जो नियमित तौर पर कितनी साफ सफाई होती है आप देख सकते हैं, गिद्धा यहीं से कचरा उठा के
यही डाल दिया जाता है जिससे कि महामारी फैलने की भी आशंका होती है। आगे चलने पे गांव पे मैं आपको दूसरी चीजें भी दिखाऊंगा जी। और जैसे कि आप जूम करके पीपल से दिखा सकते हैं, कचेड़ा वारसाबाद आप बोर्ड देख सकते हैं, ये गांव की शुरुआत है, विजिबल है ये दीपक जी, आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं दर्शकों को, कचेड़ा वारसाबाद ये गोद लिया हुआ गांव है। ट्राइबल सदानंद पति, इस वक्त मैं हूँ कचेड़ा वारसाबाद गांव, जो कि डॉक्टर महेश शर्मा हमारे यहाँ के सांसद गौतम नगर के, उन्होंने गोद लिया हुआ है। मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर भी हमने प्रश्न किया था, विश्व में परचम है। इस वक्त मैं हूँ कचेड़ा वारसाबाद गांव और ये इनका सबसे बड़ा तालाब है और गांव का एकमात्र तालाब है। मैं आपको बताना चाहूंगा गांव की स्थिति क्या है जिसे इन्होंने गोद लिया है। मैंने हमेशा प्रश्न उठाया कि आप अगर किसी को टिकट देते हैं तो स्थानीय लोगों को टिकट दे जो जड़ और जमीन से जुड़े हुए हों। मेरे साथ है भाई मोनू गुजर और मेरे साथ है भाई राहुल गुजर, इसी गांव के निवासी हैं। भाई मोनू गुजर इसी तालाब में मछली पालन का भी काम करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गांव की सफाई नहीं हो रही है, माफी चाहूंगा 2 साल नहीं 3 साल से इस तालाब का कहीं पे निकास नहीं है। आप जूम करके दिखा सकते हैं सरस्वत जी, कहीं पे निकास नहीं है। मोनू जी क्या समस्या है आप मुझे एक बार बताएं। दीपक जी पूरा तालाब गंदा हो चुका है, गांव को पानी निकालने के लिए नाला नहीं है, गांव का पानी निकालने का कोई नाला नहीं है, वो भी इस तालाब में आके गिरता है। आप इस कूड़े को देख सकते हैं और जैसे कि मोनू गुजर जी भाई ने बताया मुझे कि इनकी सफाई भी अपने निजी लेवल पे निजी स्तर पे करते हैं, और सांसद महोदय डॉक्टर महेश शर्मा आप कहते हैं कि मैंने इसको स्वच्छ बना दिया, ये आपकी स्वच्छता? अगर ये स्वच्छता, इसमें मछली पालन नहीं हो रही है तालाब में। आपको पता है गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने गोद लिया हुआ है गांव कचेड़ा वारसाबाद गांव, और यहां के स्थानीय अत्यंत ही नाराज हैं। आपने देखा होगा पिछली बार के चुनाव में बोर्ड लगा दिया था कि बीजेपी के लोगों का यहां आना मना है। आप देखिए क्या स्थिति है, कहीं पे निकास नहीं, इतना बड़ा विशाल का तालाब और किस तरीके से लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरस्वत जी मोनू जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके लिए? खराब पानी के निकलने के लिए नाला ही नहीं है, बिल्कुल बंद, यहाँ पे गंदा पानी निकलने का। राहुल जी कुछ बताएंगे? यहाँ पे क्या है, गांव का जो भी पानी है, गांव घर का नाले कहीं के निकल लिया, वो तुम्हारे खेतों में हमारे खेतों में धरी जा रहा है, कहीं कोई मैन। कुल मिला के कचेड़ा वारसाबाद गांव के लोगों का ये कहना है कि जो गंदा पानी है घरों का नाली का, उसका कोई निकासी नहीं, वो तालाब और खेतों में जाता है। आप समझ रहे हैं, एक तरह से हम भूमि को, इस धरती को भी प्रदूषित कर रहे हैं, और हमारे सांसद महोदय ने ये गांव को गोद ले रखा है। इससे अच्छा होता कि वो अपने घर में बैठ जाते। मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूं कि स्थानीय लोगों को मौका दें। आदरणीय सभी मेरे भाई बंधु, गौतम बुद्ध नगर में 300 गांव है और ये गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, ये क्षेत्र गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। लगातार एमएलए का टिकट कभी दे देते हैं डॉक्टर महेश शर्मा को, कभी सांसद का दे देते हैं, क्या इन लोगों का तिरस्कार नहीं है? आप देखिए क्या स्थिति बना रखा है, कूड़े का ढेर, पूरे गांव इस स्थिति से गुजरता है। आगे जो गांव पे मैं पहुंच रहा हूं आप उसे भी देखें, मैं आपको सूचित करूंगा। लेकिन देखिए ये आदर्श गांव गोद लिया गया है, कचेड़ा वारसाबाद गांव। रेवल सदानंद पति, गांव कचेड़ा वारसाबाद आदर्श गांव के तौर पे गोद लिया गया है माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपका आदर्श गांव। यहाँ के गुजर भाई दुखी हैं, यहाँ के जो नाहूर नागर बाहुल्य जो गांव है ये अत्यंत ही दुखी हैं। इन्होंने बोर्ड लगाया था आपको याद होगा, अगर लोगों में शर्म होती ना तो अगर कोई कंप्लेन करे शिकायत करे तो शिकायत को दूर करने की भावना होनी चाहिए। ये नालियों का पानी कहीं निकास नहीं है, खेतों में जा रहा है, खेतों में और वो जमीन जहरीली होती जा रही है। तालाब मैंने दिखाया, मछलियां नहीं हो रही है 3 साल से। मोनू गुजर जो वहां देखता है वो कहता है कि मछलियां मर जाती हैं जो सरकारी मछली मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, निमोनिया फॉर्म हो रहा है। देखें आप देखें क्या स्थिति है, आप देखें, आइए आइए सरस्वत जी आइए, देखिए गांव की स्थिति, देखिए क्या निकास है नाली का, जूम करके दिखाएं जरा, नाली का निकास कहां पे है, लोगों के खेतों में, लोगों के घरों में बढ़ रहा है। आपने ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया, आपने गोद ले लिया है। आप अपने अस्पताल और इंस्टीट्यूट से फुर्सत निकालिए डॉक्टर महेश शर्मा, निकालिए। बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इन किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, आज 10वां साल चल पड़ा है। भूमि अधिग्रहण का जो आंदोलन था, भट्टा पारसोल का जो आंदोलन था, आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ी नहीं पार कर सकती ढंग के तरीके से। देखिए आपके सामने अभी एक गाड़ी, और उधर से दिखाइए सरस्वती, दिखाइए, देखिए स्थिति क्या है।
ये ग्रामीण, ये गांव की स्थिति आज, आज ना किसानों के मुकदमे वापस लिए गए और वो आज भी इलाहाबाद के चक्कर काट रहे हैं। मैं रेबल सदानंद पति माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से पूछता हूं कि जब आप वोट मांगने आते हैं भट्टा पार्सल से, क्या कह के आते हैं आप? हर बार आप वोट मांगने आते हैं, आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? उन किसानों के लिए क्या किया आपने? जहां मैं खड़ा हूं ये मुख्य सड़क है और 10 फीट का सड़क है जहां पे आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपने अपना कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। धन्य आप सांसद जी, आप धन्य। रेबल सदानंद पति, इस वक्त मैं हूं सेक्टर 20 पॉकेटो यमुना एक्सप्रेसवे, भट्टा पार्सल। सांसद महोदय, भट्टा पार्सल, ये मेरे पीछे जो आप काम देख रहे हैं ये वो काम हो रहा है जो किसानों की जमीन ली जा चुकी है। किसानों की जमीन जो ली जा चुकी है वहां तो देखिए इतना अच्छा काम चल रहा है। और ये मुख्य सड़क है, ये नहर है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बैरिकेड नहीं। आप देख सकते हैं अगर गाड़ी हल्की सी भी डिसबैलेंस हुई तो गाड़ी कहां जाती है, देखिए जूम करके दिखाइए इनको सरस्वत जी, पानी का रफ्तार देखिए। ये देखिए किसानों की जो सड़क है वो ये जंगल झोप, रात में कोई लाइट नहीं। और जहां आपने जमीन अधिग्रहण कर लिया वहां आप दिन रात काम कर रहे हो। चंद सालों पहले जमीन लिया उस पे तो आप काम कर रहे हो, और जो यहां 50 साल से रह रहे हैं उनके लिए आपकी कोई निगाह नहीं है, कुछ भी निगाह नहीं है। वोट मांगने आते भट्टा पार्सल वालों से, सांसद महोदय ये नहीं चलेगा। अब आप भट्टा पार्सल आओगे तो जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से सांसद साहब, कि क्यों ये मंच उठाना पड़ा, क्योंकि इस गांव से मेरा संबंध है, इस गांव से मेरा संबंध है। मेरी पत्नी इसी गांव से है, पार्सल से, इसी गांव से। और जब मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कष्ट देखता हूं, जब रात के अंधेरे में इतनी छोटी सी सड़क आगे देखिए 9 फीट की हो जाती है, दो गाड़ी आए दिन यहां एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आपकी निगाह नहीं गई। कितनी बार लोगों ने बोला सड़क को चौड़ी करा दें, देखिए कितनी जगह खाली है, कितनी, चाहे तो इतना बड़ा सड़क उधर हो जाएगा, रेलिंग लगा दीजिए, वहां नहर है, लोग खतरे में होते हैं, लेकिन आपके कानों में जू नहीं रेंगती। सदानंद, इस वक्त मैं खड़ा हूं तिलपता, जहां पे डेंसो कंपनी है, गौतमबुद्ध नगर में ग्रामीण क्षेत्र है। आप मेरे सामने देख सकते हैं गाड़ियों की स्थिति, लगभग 4 साल हो गए स्थिति को देखते देखते, 5 साल हो गए पर स्थिति अब तक कोई सुधार नहीं। आप देखें क्या स्थिति, इतना सा पैच वर्क है, आप देखें गाड़ियों को किस कदर आना पड़ रहा है। ये ग्रेटर नोएडा है, तिलपता गांव है, डेंसो कंपनी जो कि एक प्रमुख कंपनी आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे की स्थिति देखें आप, सरस्वत जी को दिखाएं, सड़क का हाइट देखिए, सड़क के खड्डे देखिए, गाड़ियों का देखिए, उधर जो भी गाड़ी आती है उन सबको किस तरीके से आना होता है। अगर रात में कोई आई, ये वही रोड है, आगे जाके इसी रोड में गौरव चंदेल की हत्या हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा घटना, दुर्घटना जिसमें गौरव चंदेल जी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे सांसद जी को दौरा ही नहीं लगता, उन्हें दिखता ही नहीं है कि क्या इश्यूज है। देखिए गाड़ी क्या स्थिति है सड़कों की, आप देखें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जब आते हैं उन्हें किस स्थिति में आना पड़ता है। अगर कोई छोटी मोपेडो रात के समय, अंधेरे के समय उनका एक्सीडेंट होना बहुत ही आम बात है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, मेरे पीछे फोर्ड एंडेवर है, उन्हें भी किस तरह आना पड़ता है आप अंदाजा लगाएं। लेकिन सांसद महोदय को ये दिखता नहीं है। यही हाल सड़क को उस लेवल पे भी देखिए, ट्रकें आ रही हैं, सरस्वत जी जूम करके दिखाएं, आप देखें उधर भी मेरे बाएं साइड में, मैं वहां भी ले चलूंगा। और अगर आप पीछे देखें तो आप देखें इसमें कंटेनर यार्ड है, कंटेनर यार्ड। आए एक बार सरस्वत जी आए, देखिए क्या स्थिति है, परिस्थिति को देखें, सरस्वत जी आए जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कंटेनर यार्ड है, आप देखिए कंटेनर यार्ड है, आप इतने बड़े बड़े देख सकते हैं, जूम करके सरस्वत जी आप दिखाएं दर्शकों को, आप देखिए ये ट्रक जा रहे हैं मेरे जस्ट साथ में, ये ट्रक जा रहे हैं, आप देखिए इधर ये हैवी ट्रक, सरस्वत जी किस तरीके से लोगों को जाना हो रहा है, किस तरीके से कष्ट है। लेकिन हमारे सांसद जी को दिखता ही नहीं, आप दिखाएं कि इतनी बड़ी ट्रक है, ये ट्रक पलटने का खतरा है, आप देखें ये तिलपता है ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र, देखिए किस तरीके से क्या कष्ट है, लेकिन हमारे सांसद को ये नहीं दिखाई देता।